उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे। मैं स्कूल बना रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, स्कूल बना के दिखा दूंगा, इनके बस की बात नहीं है। क्यों? मैं अस्पताल कर दे, 75 साल में तो किया नहीं, शिवराज सिंह चौहान की कितने दिनों से देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है। यही हमारे शहीदों का सपना था कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक शिकायत पर आतिशी से मांगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव ने दिया ये जवाब, जाने क्या है पूरा मामला। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद सतर्कता मंत्री आतिशी से रिपोर्ट मांगी है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए अधिक मुआवजा पाने वाले एक व्यक्ति के रिश्तेदार ने मुख्य सचिव कुमार के बेटे को नौकरी दी। पब्लिक डोमेन में यह मसला आने के बाद नरेश कुमार ने इस शिकायत को कीचड़ उछालने की हरकत करार कर दिया है। दिल्ली मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा, जिन लोगों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई, वे नाराज लोग अब कीचड़ उछाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करते समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार को यह शिकायत अक्टूबर में मिली थी, जिसे मुख्यमंत्री ने सतर्कता मंत्री आतिशी के पास भेज दिया और उनसे इस विषय पर तथ्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सतर्कता मंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। बयान में कहा गया है कि यह शिकायत विस्तृत जांच के लिए सतर्कता मंत्री के पास भेजी गई है। दरअसल साल 2018 में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के वास्ते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में 19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। शुरू में जिला प्रशासन ने इसके लिए मुआवजे की राशि 41.52 करोड़ रुपए तय की थी। भू स्वामियों ने इस मुआवजे को चुनौती दी थी और अनंत इस साल मई के दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने इसे बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपए कर दिया। बाद में गृह मंत्रालय ने इस मामले में जिलाधिकारी हेमंत कुमार को बाद में निलंबित कर दिया। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 353.79 करोड़ रुपए की इस मुआवजा राशि को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव का बेटा एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और उस कंपनी का एक निर्देशक बामनोली गांव में अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों में से एक सुभाष चंद अथूरिया का दामाद है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 15 मई को मुआवजे की राशि बढ़कर 353.79 करोड़ रुपए की गई थी। संभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार ने 2 जून को मुख्य सचिव के सामने इस विषय को उठाया था। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्त को इस मामले की पाक्षिक आधार पर निगरानी करने का निर्देश दिया था और बाद में सतर्कता निदेशालय को इसकी जांच करने को भी कहा था। उन्होंने कहा कि बाद में उपराज्यपाल बीके सक्सेना की मंजूरी से गृह मंत्रालय को 20 सितंबर को जिलाधिकारी के विरुद्ध सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।